Hello everyone, welcome back. Today we will complete the names of the following rooms. नीचे कुछ कमरों के नाम दिए गए हैं, उन्हें पूरा करना है. एक घर में कई कमरे होते हैं और उन कमरों के नाम अलग अलग होते हैं. तो चलिए देखते हैं. A room where people take bath. वो कमरा जहाँ पर लोग नहाते हैं. तो जहाँ पर हम नहाते हैं उस कमरे को हम क्या कहते हैं? उसे हम बाथरूम कहते हैं. बाथरूम मीन्स स्नान घर. तो बाथरूम में हम नहाते हैं. नेक्स्ट है अ रूम वेयर पीपल कुक फूड. वो कमरा जहाँ पर लोग भोजन पकाते हैं. तो जहाँ पर भोजन पकाया जाता है उस कमरे को क्या कहते हैं? किचन. तो किचन मीन्स रसोई घर. किचन में हम भोजन पकाते हैं. अ रूम वेयर पीपल ईट फूड. वो कमरा जहाँ पर लोग भोजन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डाइनिंग रूम. भोजन का कमरा या भोजन कक्ष. जिस कमरे में हम भोजन करते हैं उसे हम डाइनिंग रूम कहते हैं. अ रूम वेयर पीपल एंटरटेन देयर गेस्ट. वो कमरा जहाँ पर लोग अपने मेहमानों का मनोरंजन करते हैं. तो हमारे घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें हम एक कमरे में बिठाते हैं और उस कमरे में मनोरंजन के सामान उपस्थित होते हैं. तो उस कमरे को हम क्या कहते हैं? ड्राइंग रूम. ड्राइंग रूम मीन्स होता है बैठक घर. तो वो कमरा जहाँ पर मेहमानों का मनोरंजन होता है उसको हम ड्राइंग रूम कहते हैं. नेक्स्ट है अ रूम वेयर पीपल स्लीप एट नाइट. वो कमरा जहाँ पर रात में लोग सोते हैं. तो लोग जहाँ पर सोते हैं उस कमरे को क्या कहते हैं? उस कमरे को हम बेडरूम कहते हैं. मीन्स शयन कक्ष या सोने का कमरा. तो बेडरूम में हम सोते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ हाउसेस. घरों के प्रकार. घर के कितने प्रकार होते हैं? हाउसेस आर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल्स यूज टू बिल्ड देम. घरों को बनाने में प्रयोग किए गए सामानों के आधार पर घर दो प्रकार के होते हैं. कच्चा हाउसेस एंड पक्का हाउसेस. कच्चा हाउस और पक्का हाउस. कच्चा घर और पक्का घर. तो कच्चे घर बनाने में प्रयोग किए गए सामान और पक्के घर बनाने में प्रयोग किए गए सामानों के आधार पर घरों को दो भागों में बांटा गया है. तो स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है, आपको कुछ रूम्स के नाम लिखने हैं, जैसे बाथरूम, किचन, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम. इन सब के नाम आपको होमवर्क में लिखने हैं. थैंक यू.